गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम अगेन इन इंग्लिश क्लास। टुडे इन इंग्लिश क्लास वी हैव टू रीड द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ द गिफ्ट ऑफ वाली डेड। लुक एट योर बुक पेज नंबर 37। सी हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। द प्रिंसेस देन टुक एडवाइस टू हिज मिनिस्टर। वेल, said the minister, the best thing you can do is to send this friend at once a present so magnificent that he is not likely to be able to send you anything better, and so will be ashamed to send anything at all. She thought for some time and did the shame. बस सो लास्ट वीडियोज में हमने कहानी में देखा था कि एक दूसरे के द्वारा गिफ्ट का आदान प्रदान हो रहा था और ये सभी अननोन फ्रेंड थे, जिसमें प्रिंस, वुडकटर और प्रिंसेस शामिल थे और माध्यम बना हुआ था वो मासेंट। तो कैसे, किस तरह से प्रिंसेस को घोड़े मिलते हैं और इस बार वो सोचने पर विवश हो जाती है कि वह अब अपने गिफ्ट गिवर को क्या दे। मंत्री की सलाह से वो ऐसा चीज़ देना चाहती है कि दोबारा फिर से उसको इससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट की प्राप्ति ना हो, या भेजने के पहले कुछ सोचें। और तब उसने वैसा ही किया। उसने क्या किया हम देखेंगे इस पैराग्राफ। वाली डैड ग्रोन टू सी 20 mules loaded with silver, an old man with simple living. What would I do with all this? He gave 4 mules to the merchant and rest he sent to the prince of Nagavad. अब पुनः जबकि वो woodcutter देखता है, क्या देखता है, 20 mules loaded with silver, अर्थात 20 mules जो थे उसमें सिल्वर लदे हुए थे और ये गिफ्ट अभी मिला था प्रिंसेस की ओर से। और ऐसा पा करके वुडकटर फिर से सोचने लग जाता है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो तो एक सिंपल मैन है। सो उसने 4 mules व्यापारी को लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है और रेस्ट को फिर से नेकाबाद के प्रिंस को देने की बात करता है। मर्चेंट भी एग्री हो जाता है और फिर वो इस गिफ्ट को देने के लिए चला जाता है। एंड देन व्हाट हैपेंड, द प्रिंस टू परप्लेक्स्ड विद द बिहेवियर ऑफ एन अननोन फ्रेंड। प्रिंस भी उसके, अर्थात अननोन फ्रेंड के इस बिहेवियर से कंफ्यूज्ड में पड़ जाता है। नाउ वाली डैड वॉज बिसाइड हिमसेल्फ एंड कर्स्ड हिज ओन डिसीजंस टू गिफ्ट हिज सेविंग्स समवन। इधर वाली डैड को भी अब अपने सेविंग्स को किसी को गिफ्ट के रूप में दे देने की बात पर अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि शायद ये भी उसके लिए एक अभिशाप ही था। वाली डैड वंस अगेन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड मर्चेंट टू टेक द गिफ्ट टू द प्रिंसेस ऑफ ईस्ट।
ही एग्रीड बट दिस टाइम प्रिंसेस वॉज कीन टू मीट सच से मैग्निफिसेंट पर्सन्स. हर मिनिस्टर्स टू गेस्ट मे बी ही वॉन्ट्स टू मैरी यू. नाउ द प्रिंसेस ऑर्डर टू प्रिपेयर हर कारवान टू वालीडेड. द मर्चेंट इन्फॉर्म्ड वाली अबाउट द कारवान ऑफ प्रिंसेस. हियरिंग दिस वालीडेड sank at once. Now I have to pay for my foolishness. He ran out of his hut. On the way he met an angel. He told everything to her. She made him calm and said no trouble would come to such a pure heart. The angel touched Walid and made him royal as a king. His hut turned into palace with royal servants. Soon he saw prince of West coming from West. On the other hand, princess was arriving from the East. In this way they saw each other, confusing as the sender of gifts to each other. The two fell in love instantly. Walidad kept quiet all the while. Soon the two married each other in Wali's palace. At last Walidad said goodbye to his guest. Next morning the angel came down and turned Wali again a well content simple grass cutter of rags and hut. Children, in this way we have learned or read this story. This story is very interesting. You read again. In next video, we shall see chapter assessment. Thank you.